अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नोमान अहमद एंड वेलकम ऑल टू माय शॉर्ट एंड चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, द सेकंड ग्रुप ऑफ कंसोनेंट्स, और इसमें हम पढ़ेंगे फोर पेयर ऑफ कंसोनेंट्स, और ये टोटली कर्व्स होंगे, स्ट्रेट स्ट्रोक्स नहीं होंगे, स्ट्रेट कंसोनेंट नहीं होंगे, ये सारे कर्व्स में होंगे, और ये टोटली सेम एज पहले कंसोनेंट की तरह डाउनवर्ड लिखे जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे। ओके, और ये फोर पेयर्स मतलब आठ कंसोनेंट, पहले हमने थ्री पेयर्स पढ़े थे पी बी टी डी जे जे, छः कंसोनेंट वो, अब ये फोर पेयर्स मतलब आठ कंसोनेंट ये, ठीक है। और ये जो आठ कंसोनेंट हम सीखने जा रहे हैं ये आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, सो काइंडली इन पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये कर्व्स में हैं और आपको लिखने में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। और इन कंसोनेंट में से भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं, तो चलते हैं हम पेज की तरफ, इनकी प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें इनकी प्रैक्टिस करनी और कैसे लिखनी है। ये देखें यहाँ द सेकंड ग्रुप ऑफ कंसोनेंट्स, सबसे पहले ये जो आठ कंसोनेंट हैं ये सब के सब कर्व्स में लिखे जाएंगे, एंड दूसरी बात ये है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इनका, मतलब पहले की तरह ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ ये कौन से हैं कंसोनेंट्स। नंबर वन, इफ, वी, इथ, दी, इस, जी, इश, जी। मैंने आपको बताया था शॉर्ट एंड जो है साउंड पर डिपेंड करती है, तो हमें इन्हें पढ़ना कैसे, ऐसे नहीं एफ ए वी टी एश ए टी एश ए एस ए जेड, ऐसे नहीं, इनका हमें साउंड पढ़ना है कैसे, इफ वी इथ दी इस जी इश जी, ठीक है, याद रखें ये। और सबसे पहला पेयर जो है हम लिखेंगे, अब देखें ये कर्व्स में ऐसे लिखे जाएंगे और ऊपर से नीचे, और ये जो पहला कंसोनेंट है ये बिल्कुल लाइट है, क्योंकि एफ वी इसमें साउंड का फ़र्क है, ठीक है, और इस वजह से हम इनका डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रोक को लाइट और डार्क करके, ठीक। पहला कंसोनेंट हमारा है इफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। अब दूसरा वी, जैसे एफ लिखी वैसे ही इसे हम सिर्फ डार्क करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे, कौन सा कंसोनेंट हो जाएगा वी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह, क्या हो गया वी, वी, ठीक है। एंड सेकंड पेयर है इथ दी, और ये कैसे, जैसे सी लिखते हैं ना सी, इस तरह इसे पर हाफ करें, यहां से स्टार्ट करके इस तरह, ये क्या हो गया इथ इथ, और दी इससे ही हम डार्क करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा दी, ठीक है, ये क्या हो गया दी। एंड थर्ड पेयर है इस जी, ठीक, जैसे हमने इथ और दी लिखा है इसके अपोजिट में हम ये लिखेंगे एस एंड जी, इस तरह एस एस, और ये इसे ही डार्क करके लिखेंगे, सॉरी इस तरह कर्व करके, थोड़ा थोड़ा कर्व करके, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और जो लास्ट पेयर है इश एंड जी, ठीक है, इसका जी जो साउंड है इसका थोड़ा हैवी है, ये जो ऊपर थर्ड पेयर में है जी इसका नॉर्मल साउंड है, और जो लास्ट में है जी जी इस टाइप का, ओके,
और ये कैसे लिखेंगे, जैसे एफ वी लिखी थी हमने उसके अपोजिट। ओके ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इश बिल्कुल लाइट, इश ठीक है, एंड जी जी वैसे ही डार्क करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ब्लैंक पेज लेंगे, वहाँ पर लिखेंगे एफ और ऐसे वो पूरा पेज भरेंगे, सेकंड वी 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 ऐसे, इस तरह आप एक 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 कंसोनेंट से एक एक पूरा पेज भरेंगे। इससे क्या होगा, आपके ये कॉर्ड्स जो है ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी आप लिखेंगे डिक्टेशन करेंगे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, ज़रूर भी ये प्रैक्टिस करना, ये क्योंकि कवर्स में है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, पर एक दो पेजेस पर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपके सेट हो जाएंगे। ठीक, और जैसे पहले चैप्टर के कंसोनेंट में से कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बन रहे थे, अब सेकंड चैप्टर में से भी कुछ कंसोनेंट्स के शॉर्ट फॉर्म्स उनमें से बन रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेयर के सेकंड में है वी, उसमें से बन रहा है हैव। ठीक है, ऐसे हैव, ठीक, एंड सेकंड पेयर में है इथ, उसमें से क्या बन रहा है थिंक, इस तरह। ठीक, एंड नंबर सेकंड के दी कंसोनेंट में से क्या बन रहा है देम। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ हैव थिंक देम लिखें, कैसे आप लिखेंगे, हैव थिंक और देम। ठीक है, और फिर थर्ड पेयर में से जो जी कंसोनेंट है उसमें से कौन सा शॉर्ट फॉर्म बन रहा है वाज। ठीक, वाज, इस तरह। ठीक है, इस तरह वाज। एंड इश में से क्या बन रहा है शल, शल। ठीक, एंड लास्ट जी में से क्या यूजुअली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पहले 8 कंसोनेंट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर सेकंड के। अब आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इनमें से वर्ड्स बनाना वावेल को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।